एक और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, आपको बता दें पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 45,000 के इनामी के साथ मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार बताया जा रहा है। तो भारी पुलिस फोर्स के साथ काम बिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, 45,000 के इनामी के साथ ये मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश को गोली लगी है तो दूसरा फरार बताया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स के साथ कैंपिंग जारी, तो ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। सबसे पहले न्यूज स्टेट ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है और दूसरा बदमाश भागने में सफल हो गया। जौनपुर के सिटी कोतवाली इलाके में पुलिस और अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो बाइक पर चार युवकों को आता देखा तो उन्हें रोका, लेकिन गैंग के सदस्यों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारी। वहीं दो अन्य बदमाशों को भी घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम के प्रभारी के साथ रसूलाबाद तिराहे पर चेक कर रही थी। चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल से चार बदमाश रोके जाने पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी जो घायल हो गए, जिसके बाद प्राथमिक उपचार वाराणसी रेफर किया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको मथुरा से, बड़ी खबर बंद मकान में मिले शव के मामले में खुलासा, पैसों के लेन देन में हुई थी हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस 25 मार्च को बंद मकान में मिले थे दो शव, तो 5 दिन तक बंद मकान में पड़े थे शव। आपको बता दें 7वें दिन डीजल डालकर शवों को जलाने का प्रयास किया गया। हत्या से पहले खिलाई गई थी नींद की गोलियां। तो पति की रस्सी से गला घोटकर की गई हत्या, तकिए से मुंह दबाकर पत्नी को मौत के घाट उतारा। आरोपी पवन गुंदल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से, जहां पर बंद मकान में शव जो मिले हैं उसके मामले में खुलासा हुआ, पैसों के लेन देन में यह हत्या हुई थी।